लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। और दूसरी चीज जिस वजह से मुझे मोटिवेशनल वीडियो से नफरत है कि मोटिवेशन लेने का आपका मोटिव क्लियर ही नहीं है। वो बॉडी बनाने बॉडी जिम मोटिवेशन वीडियोस देखेंगे, वीडियो देखते रहते हो एक डेढ़ घंटे तक, रैंडम बड़े बड़े डूड्स आ रहे हैं एकदम बॉडी बिल्डर्स, वो फ्लेक्स कर रहे हैं, वो देख रहे हो आप, उसके पीछे जबरदस्त म्यूजिक चल रहा है, आपको बड़े मजे आ रहे हैं। उसके बाद जिम कितना गए, कितनी मेहनत करी जिम में, कैलोरीज को ट्रैक किया नहीं किया, प्रोटीन को ट्रैक किया नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने। और ये इसलिए है कि आप कॉन्शियसली देख ही नहीं रहे उन वीडियोस, आप तो बस ड्रग्स की तरह उन वीडियोस को अपने अंदर घुसाए जा रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे कि भाई ठीक है मैं एक बैक बाइसेप का मोटिवेशन देखूंगा और आज जिम में जाके बैक बाइसेप मारूंगा, आप ये नहीं कर। या फिर मैं स्टडी मोटिवेशन वाला एक वीडियो देखूंगा 5-6 मिनट का, फिर मैं पढ़ाई करूंगा भाई पूरा दिन। आप कोई एक्शन या काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन वीडियो नहीं देख रहे, आप देख रहे हो अपनी अर्ज को पूरा करने के लिए, जो अर्ज आपसे कहती है कि काम नहीं करना। और मोटिवेशन वीडियोस देख के आपको लगता है कि भाई आप तो 100% दे रहे हो अपना किसी चीज में, फिर आप छह, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली देखते रहते हो मोटिवेशन वीडियो, से 6 महीने बाद आपको रियलाइज होता है यार मैं तो अपना 100% दे रहा था, मेरे तो सारे इमोशंस इसी तरफ थे, कुछ उखड़ा क्यों नहीं। और यही सबसे स्केरी चीज है भाई, सबसे डरावनी चीज ये है कि मोटिवेशन वीडियोस देख के आपको लगता है कि आप बहुत कुछ उखाड़ रहे हो, क्योंकि आप वो बिना किसी मोटिव के देख रहे हो। तो जो इमोशंस आपके अंदर आने चाहिए थे एक्चुअल काम करके, कि भाई ये असाइनमेंट कंप्लीट कर ली, यस मैंने कंप्लीट कर ली, वो आपको पता है कैसे आ रहे हैं, आपने 10 मोटिवेशन वीडियो देख लिया, आपके अंदर वो इमोशंस जाग गए, खुश हो गए, सो गए। या आपको आपकी कंपनी में कोई टारगेट मिला हुआ है, आप पूरे टाइम मोटिवेशन वीडियोस देखते हो कि हाँ ऐसे करना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने हैं, और आप उस टारगेट के बस 80% पे पहुंचे, विच इज ओके, जिससे आपकी जॉब रिटेन हो जाएगी, लेकिन आपने एक्चुअल अपनी लाइफ में खुद को ऊपर लाने के लिए कुछ मेहनत करी नहीं। एक्चुअल में तो आपको उस टारगेट का 150% करना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपको फील जरूर आ रही होगी कि मैंने तो अपनी जीवन कुर्बान कर दिया इस कंपनी के लिए, तो आप कुछ करने को फेक कर रहे हो। और भाई ये भी एक तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन ही है, बस आपको रियलाइज नहीं होता, क्योंकि जब आपको फील आ रही होती है काम करने की, तब आप फटाक से भागते हो सबसे पहले मोटिवेशन वीडियो देखने की, भाई इसके बिना तो हम काम नहीं कर सकते, पहले मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, फिर आप 2 घंटे वही देखते हो। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।